नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भागवत कथा संपन्न होने के बाद हवन कुंड को विसर्जित करने गए एक ही परिवार के 3 सगे भाई गंगा नदी में डूब गए। गोताखोरों ने तो एक भाई को बचा लिया, जबकि 2 अन्य भाइयों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नगर के मोहल्ला चौधरी निवासी राधे किशन एक सिलाई मास्टर है। उनके यहाँ भागवत कथा का आयोजन हुआ था, जिसमें भंडारे के बाद लगभग सैकड़ों लोग एक डीसीएम में सवार होकर फरुखाबाद स्थित गंगा नदी में हवन कुंड को विसर्जित करने गए थे। जैसे ही परिवार के लोग गंगा नदी में उतरे, तभी 15 वर्षीय आशीष तेज धारा में बह गया। देखते ही देखते वह डूबने लगा। भाई को डूबता देख उसके 2 सगे भाई 17 वर्षीय अश्विनी व 14 वर्षीय जतिन ने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। तीनों भाई पानी की तेज धारा में फंस गए और डूबने लगे। गोताखोरों ने डूब रहे आशीष को तो सकुशल बचा लिया, लेकिन आशीष को बचाने के लिए नदी में कूदे उसके 2 भाई अश्विन और जतिन को नहीं बचा पाए। उनकी डूबने से मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। परिवार में 2 भाइयों की मौत से कोहराम मचा हुआ है। वहीं दबी जुबान में लोगों का कहना है कि काली माता का मंदिर बच्चों की बलि ले रहा है। भोगांव क्षेत्र के रजवाना रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के निकट स्थित काली माता के मंदिर पर राधा किशन ने भागवत कथा का आयोजन किया था, जिसका हवन कुंड परिवार सहित फरुखाबाद स्थित गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए लगभग सैकड़ों लोगों के साथ गया था, और जहां उसके 2 बेटों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। इससे पहले 25 मार्च को इसी काली माता के मंदिर पर इसी मोहल्ले के लोग नाच गाना करते हुए नेजा चढ़ाने जा रहे थे, तभी पिकअप लोडर में लदे डीजे साउंड के अचानक गिर जाने से 12 वर्षीय शिवा पुत्र छत्रपाल श्रीवास्तव की दबकर मौत हो गई थी। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि काली माता का मंदिर बच्चों की बलि ले रहा है।